सैमसंग ने अपनी ए और एम सीरीज के साथ एकदम मार्केट में हड़कंप मचाया हुआ है। अभी मैं रिसेंट की बात करूं तो इतने सारे फोन लॉन्च कर रहा है, जिस स्पीड से सैमसंग चल रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि आने वाले एक डेढ़ साल में ना सैमसंग की ए और एम सीरीज में 100 से 1 तक नंबर ऐसा कोई शेष नहीं बचेगा जिसमें सैमसंग की ए और एम सीरीज का कोई फोन ना लॉन्च हुआ हो। ये थोड़ा सा मजाक था, लेकिन मजाक से हट के ये चीजें आपको बहुत जल्दी रियलिस्टिक देखने को मिल जाएंगी। अभी सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M51 आने वाला है, जो अपनी प्राइस रेंज में काफी कमाल का सा स्मार्टफोन होगा, जिसमें हमको बहुत कुछ ऐसा वर्ड्स फेस्ट देखने को मिलेगा जिसकी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी M51 में कैसी बैटरी, कैसी डिस्प्ले, कैसा प्रोसेसर, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम सैमसंग की बात करें तो, क्योंकि सैमसंग का अगर पास देखा जाए ना तो वो एक्सिनोस 9611 के साथ ही बीता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और सर्च कर रहे हो सैमसंग का कोई नॉन चाइनीज सा स्मार्टफोन, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारी चीजें हमको वर्ड्स फर्स्ट देखने को मिलेंगी, तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि 10,000 mAh के तो पावर बैंक होते हैं भाई, तो फोन की बैटरी बस इतना ही काफी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं बिल्ड, डिजाइन एंड लुक की। तो इसमें हमको प्लास्टिक बैग देखने को मिलने वाला है, जो सेम हमको सैमसंग गैलेक्सी M31s के साथ देखने को मिला है, जिसकी प्रीमियम सी लुक आती है, जिसकी जो फ्रेम्स हैं वो पहले वाले सैमसंग फोन की तरह नहीं होंगी जो बिल्कुल चीप दिखती थी। सैमसंग गैलेक्सी M31s की तरह बिल्कुल ये प्रीमियम लगने वाला है। इसी के साथ हमको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसी के साथ क्वाड रियर कैमरा का हमको सेटअप देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के जितनी भी चीजें होंगी वो ऑलमोस्ट देखने में लुक वाइज तो काफी कमाल का होगा, लेकिन बैक में हमको ग्लास नहीं देख के प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा, जैसा कि सैमसंग की सारी एम सीरीज के साथ होता आया है। और अब मैं बात करूं सैमसंग की डिस्प्ले की, तो यार सैमसंग की डिस्प्ले की आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है। इसमें हमको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, जो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आएगा। और आई डोंट थिंक कि इस प्राइस रेंज में मुझे कुछ बताने की जरूरत है, सैमसंग गैलेक्सी M31s जो है वो अपने साथ बेस्टेस्ट डिस्प्ले लेके आता है 20,000 के अंडर के प्राइस रेंज में। तो ये भी अपने आप को बिल्कुल वैसा ही उतारेगा मार्केट में। मतलब सैमसंग के डिस्प्ले यार ऑलमोस्ट काफ़ी कमाल के होते हैं और इसमें भी काफी कमाल का डिस्प्ले हमको देखने को मिलेगा। और मैं बात कर लूं अब तक के सैमसंग की सबसे कमाल रेसिपी की, पावर की, और इसी के साथ हमको क्या प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ डाला गया है मसाला। तो प्रोसेसर जो है वो हमको इस बार रुको एक्सिनोस 9611 नहीं देखने को मिलेगा, जो मैं सोचता हूं बहुत बहुत बड़ा अपग्रेड है सैमसंग के किसी भी मिड रेंज फोन के लिए। इसमें हमको देखने को मिलने वाला है जैसे रूमर्स है स्नैपड्रैगन 730G। और इस प्रोसेसर के साथ मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि अगर इंडिया में एक्सिनोस प्रोसेसर ना देके स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर अगर सैमसंग आगे से लॉन्च करता है, वो भी ऐसे स्नैपड्रैगन 730G या फिर स्नैपड्रैगन 765 जैसे प्रोसेसर, तो आपको क्या लगता है इंडिया का नंबर वन ब्रांड बन सकता है क्या? मुझे डेफिनेटली लगता है कि सैमसंग शाओमी की जगह ले सकता है इंडिया का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड बन के, और ये डेफिनेटली हो जाएगा। तो जैसा इसमें देखने को मिलने वाला है हमको स्नैपड्रैगन 730G, जिसके साथ हमको LPDDR4X बेस रैम देखने को मिलेगी, जिसमें 6 और 8 GB की रैम वेरिएंट हमको देखने को मिलने वाले हैं। UFS 2.1 बेस स्टोरेज होगी और इसी के साथ One UI लगा होगा इसमें Android 10 बेस्ड लेयर पे। तो यहाँ पे मुझे ये कॉम्बिनेशन ना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है यार। One UI अपने आप में बेस्ट होता है और यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर अगर स्नैपड्रैगन 730G जैसे प्रोसेसर की मिल जाए तो मतलब उसके साथ जो पान बनेगा ना वो मतलब आउटस्टैंडिंग होगा पूरा। और इसी के साथ हमको नॉक सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। अब नॉक सिक्योरिटी के पीछे एक कहानी है, आपने सुनी क्या? बेसिकली क्या है ना कि इसमें नॉक सिक्योरिटी का ओनली नाम आता है कि हाँ इसमें नॉक सिक्योरिटी है, बाकी आपको कहीं भी वो जो प्रीमियम टच होता है ना सैमसंग का, जिसमें हमको नॉक सिक्योरिटी देखने को मिलती है, वो वाला नहीं देखने को मिलेगा। मतलब उतना सिक्योर नहीं होगा जितना कंपेरेटिवली नॉक सिक्योरिटी डालने के बाद मोबाइल फोन हो जाता है। और इसी के साथ कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करी जाए तो इसमें हमको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, जैसे ही सैमसंग गैलेक्सी M31s में देखने को मिला है। USB टाइप सी होगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक होगा, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, डेडिकेटेड माइक्रो स्लॉट होगा जिसमें हम 2 4G SIM प्लस मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और अभी मैं आपसे जो वर्ल्ड्स फर्स्ट चीज़ों की बात कर रहा था वो अभी आने वाली हैं। इसमें हमको बैटरी देखने को मिलेगी वर्ल्ड्स फर्स्ट 7000 mAh के, जो आई डोंट थिंक किसी भी फ़ोन जैसे रेडमी, रियलमी, सैमसंग में पहले कभी देखने को ना। आईफोन मैंने कहाँ पर बात कर दी भाई, आईफोन में तो
मिल ही नहीं सकती। तो इतने सारे फोन्स में हमको कभी नहीं देखने को मिली है, और इसमें देखने को मिलेगी 7000 mAh की बैटरी, वो भी 25 watt ऑफ फास्ट चार्जिंग के साथ, जो 0 to 100% बैटरी को कर सकती है ओनली 97 मिनट्स में, और वो चलेगा आपसे 2 से 3 दिन तक। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़ूम करके देखो कि यार पावर बैंक आते हैं 10000 mAh के, तो यहाँ पे 7000 का तो जब वो स्मार्टफोन मिल जाए तो फिर मतलब क्या ही कहना, पावर बैंक तो मतलब स्ट्रीक से ही खत्म हो जाएंगे। और अभी मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो प्राइस हमको ऑलमोस्ट जैसे सैमसंग गैलेक्सी M31 के 6GB वेरिएंट की देखने को मिल रही है 19,500 रुपये। तो इसका जो 6GB वेरिएंट होगा वो ऑलमोस्ट हमको 22,500 या 23,000 रुपये के लगभग देखने को मिलेगा, उससे कम तो इतना डिफरेंस तो नहीं होगा। तो 23,000 और 22,000 के बीच में देखने को मिलने वाला है। बाकी लॉन्च डेट की मैं आपसे बात करूं तो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन आपको विद इन 1 month आइए देखने को मिल सकता है, जहां पे सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट और भी बहुत सारी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो अगर आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहते हो और सैमसंग ब्रांड आपको काफ़ी अच्छा लगता है, इसका वन यूआई अच्छा लगता है, तो आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो। उसके लिए आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, और इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि डेफिनेटली काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होगा, बिकॉज ऑफ अगर इसके प्रोसेसर को देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड होगा एक्सिनोस से स्नैपड्रैगन में। तो यही थी कहानी इसी सैमसंग गैलेक्सी M51 की। बाकी आपका क्या कहना है इसी के बारे में नीचे लिख डालो यार, थोड़ा सा मतलब आपकी भी राय जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो चीज़ तो आप पक्की लिखना कि आपको क्या लगता है कि एक्सिनोस स्नैपड्रैगन के बाद ये इंडिया का नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड बनेगा कि नहीं। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें टेक मास्टर को, और बेल आइकन को भी साथ में कर दें प्रेस। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।